बात कर रहा हूँ, नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश मैच है कलकत्ता में, तो खेला हो बे और खेला जरूर होगा क्योंकि दोनों ही टीम एक ही लेवल की टीम है। ये नहीं सोचना है कि बांग्लादेश काफी डोमिनेट कर सकती है, बहुत पहले से खेल रही है, एक्सपीरियंस है, ये है फलना है ढिमकाना है। नीदरलैंड जिस लेवल का क्रिकेट खेल रही है कभी भी किसी को हरा सकती है, जब साउथ अफ्रीका जैसे टीम को हरा सकती है तो बांग्लादेश उनके लिए कुछ नहीं है। और उनका स्पिन बहुत अच्छा है, बैटिंग भी लड़ना जानते हैं, लास्ट लास्ट तक बैट्समैन उनके परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है बांग्लादेश एक विकेट गिरा आया दूसरा गया गया, ऐसा नहीं होता है। ये परफॉर्मिंग प्लेयर, एक एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जी जान झोंक रहा है। बहुत अच्छा मैच होगा, बट जरूर खेलना है, सेशंस भी तगड़ा होगा। फ्लैट डेक है, ईडन गार्डन का वेन्यू है, मजा आएगा इस मैच में, जरूर काम करिएगा। सबसे पहले राठौर प्रिडिक्शन 07 को जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे जाइए क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। डेली 3 से 3, 3/3 सेशन आते हैं, पास होते हैं, हु विल विन जानना है, कौन सी टीम जीतेगी, A to Z मैच आता है। आज भी साउथ अफ्रीका जीतवा के दिया, एंट्री पहले हमने साउथ अफ्रीका खिलवा के पाकिस्तान प्लस करवाया, लगाना से उड़वाया, सबसे बड़ा जैकपॉट दिया क्रिकेट हिस्ट्री का। तो जाके ज्वाइन करिए, फायदा उठाइए, और हमारा मोबाइल नंबर सेव करिए 7428525767। कुछ भी डाउट हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैच प्रिडिक्शन सेशन प्रिडिक्शन के लिए। ईडन गार्डन कलकत्ता में मैच खेला जाएगा, 2 बजे से ये मैच स्टार्ट होगा, कल दूसरा मैच है ये। वेदर बात करेंगे, मैच होगा नहीं होगा पूरा, तो देखिए सबसे पहले तो 31 डिग्री का टेम्परेचर, चांस हो रहे निगेटिव है, ह्यूमिडिटी 47% की रहने वाली है, और यहाँ पे सेकंड वेट का एडवांटेज होता है, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर प्रिवेल करता करता है, ठीक है। स्मॉल डायमेंशन है, फर्स्ट बैट करने वाली टीम 300+ नहीं मानेगी, बुरा हाल हो जाएगा, चेज कर सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस होगा, सेशंस खेलने वाले ध्यान रखिए, सेशंस यहाँ पे ज़्यादातर यस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। टोटल 30 मैच हुआ है फर्स्ट बैट करते हुए, यहाँ पे 18 बार, सेकंड बैट करते हुए 12 बार। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर तो लो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 300 मस्ट होगा ही होगा, फ्लैट डेक होने वाला है, अभी जितने भी वेन्यू है वैसे ही है। देख सकते हैं इंडिया का हाईएस्ट स्कोर 404 है, लोएस्ट भी इंडिया का ही 120। स्कोरिंग पैटर्न देख लीजिए, 200 से नीचे यहाँ पे 5 बार लगा है, 249 यहाँ पे 8 बार लगा है, और 250 से 299 11 बार लगा है, एवव 300 6 टाइम लगा है। लास्ट 3 मैचेस का पूरा डिटेल में बात करते हैं, कैसा मैचेस हुआ है तो देख सकते हैं। यहाँ पे श्रीलंका जीती है, 215 मारी थी, यहाँ पे इंडिया उसको चेज करके 219 मार के 6 विकेट से। पेसर्स को 5 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में, फिर पेसर्स को यहाँ पे 5 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट, तो यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। सेकंड मैच देख सकते हैं, इंडिया 252 मारी, ठीक है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 202 ही मारी, डिफेंड भी हो गया, 50 रन से यहाँ पे इंडिया जीत गई। पेसर्स को 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर्स को 1 विकेट, फिर पेसर्स को यहाँ पे 5 विकेट, स्पिनर्स को भी 5 विकेट। तो ये सेकेंड इनिंग का जो स्पिनर को आप देख सकते हैं मदद मिला, मतलब जो मदद मिला वो स्पिनर्स को मदद मिला एक मैच में, तो पिच जैसा होगा वैसे आपको कोप अप करके खेलना है। स्पिनर्स को मदद होगा तो स्पिनर्स ज़्यादा पिक कर सकते हैं ड्रीमलैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी जैसा वेन्यू वहाँ पे फैंसी ये हो सकता है श्योर शॉट कि हाई स्कोर्स लगेंगे, बाउंड्री छोटा है तो सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस बाउंड्री जेस करके चल सकते हैं, ड्यू फैक्टर प्रिवेल करेगा, तो एक्स्ट्राज भी देख सकते हैं। 22-23 पाकिस्तान ने बोला, मैंने बताया था कि ड्यू फैक्टर जहाँ होता है वहाँ पे एक्स्ट्राज भी यस करके चल सकते हो, तो ये कुछ फैंसी हैं जो खेल सकते हो आप लोग। 321 मारी इंडिया, ऑलमोस्ट चेस कर गई थी इंग्लैंड, इंडिया 5 रन से रह गई, इंग्लैंड जीत गई। 4 विकेट पेसर्स को, 2 विकेट स्पिनर्स को, 9 विकेट यहाँ पे पेसर्स को, स्पिनर्स को 1 भी विकेट नहीं मिला, ठीक है। 35 विकेट पेसर्स को, 13 ही स्पिनर्स को। तो पेसर्स ऑब्वियसली हर वेन्यू पे डोमिनेट करता ही है, कैसा भी पिच हो वो विकेट निकाल देता है। अब चलिए हेड टू हेड बात कर लेते हैं, तो 2 मैच हुआ है और 2 में से 1 मैच आप देख सकते हैं बांग्लादेश जीती, 1 में से नीदरलैंड जीती, तो 2 ही मैच में कांटे का टक्कर है, अच्छा मैच होगा गारंटीड, ठीक है। अब ईडन गार्डन में 1 मैच खेली है बांग्लादेश, वो भी 1990 में, उससे पहले नहीं खेली है, ठीक है। वही नीदरलैंड्स का परफॉर्मेंस भी है, 1 मैच ये भी खेली है, वो भी हारी है, दोनों ही हारी है, 2011 में हारी है। बाकी रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, बांग्लादेश लगातार 4 हार के हारी है, उससे पहले 1 विन है। वही नीदरलैंड्स यहाँ पे 2 हारी है, फिर विन है, फिर 2 हारी है, तो जीती दोनों ही टीम 1-1 मैच है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसी का नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी नीदरलैंड्स भी लास्ट मैच बहुत बुरी तरह से हारी ऑस्ट्रेलिया से, तो उसका भी एक मेंटल प्रेशर रहता ही है हर टीम पर, और 4 मैच हार के लगातार आने का भी प्रेशर रहता है बांग्लादेश पे। विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओडाउड, कोलिन एकरमैन, बैस डे लीडर, तेजा नीडा मानुडू, स्कॉट एडवर्ड्स, साइब्रेन एंजल ब्रेट, लोगन वैन विक, रेलो वैंडम, हमें आर्यन दत्त और पॉल वैन विक्रीन, तो ये नीदरलैंड्स का प्लेइंग 11 हो सकता है। अब चलिए बांग्लादेश का बात करें, तो तंजीद हसन, लिटन दास, नजबुल हुसैन सेंटो, साकिबुल हसन, मेहदी हसन, मिराज, मुस्फिकुर रहीम, हमदुल्ला, नसूम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद, तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है बांग्लादेश का। चलिए अब जो प्लेयर बैटल देख लेते हैं, कौन सा प्लेयर 100 मार सकता है, 50 मार सकता है। तो विक्रमजीत सिंह 25-4-2-12-52, लास्ट मैच में वीक बॉलिंग भी किया, हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे भी नहीं खेला है। एकरमैन 10-29-12-69-17, बैट से ये भी कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन अच्छा प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर है, हर लीग में खेलता है, नेटवेस में भी खेलता है,
बॉलिंग कर रहे हैं 0-1-1-0-2, तो यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं इस पिच पे, और खास करके अगेंस्ट बांग्लादेश इनको पिक कर सकते हो। ठीक है, वाइस कैप्टन के लिए ठीक ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे हेड टू हेड में। मैक्स ओडाउ 6-16-18-16-5, एकदम आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हटा के चलिए। बैस डेलीजे 4-6-2-18-67, ये चार इनिंग इनका अच्छा नहीं आया, ये वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है प्लेयर ग्रैंड लीग में। बॉलिंग थोड़ा अच्छा कर रहा है, बैटिंग से फ्लॉप हो रहा है, बैटिंग कंट्रीब्यूट कर देगा इस पिच पे, ऐसे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है विकेट गिरने का, तो इनको बना के चल सकते हैं। 2-0-2-1-4, ये भी ग्रैंड लीग के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है, ये प्लेयर विकेट हर मैच में निकाल रहा है, देख सकते हो आप, एक मैच को छोड़ के हेड टू हेड नहीं खेला है, वेन्यू पे भी नहीं खेला है। तेजा अनिटा मानुडू का बात कर लेते हैं, तो ये भी फ्लॉप दिख रहे हैं, 14-9-20-21-5, ये लास्ट में आने वाला प्लेयर है तो इसको हटा के ही चल सकते हैं। बाकी साइब्रेड एंजल ब्रेड अच्छा फॉर्म में है, 11-70-19-29, ये इनका जो परफॉर्मेंस था श्रीलंका के खिलाफ, ये जबरदस्त परफॉर्मेंस था, अंडर प्रेशर आया था, तो ये प्लेयर अच्छा है। ठीक है, स्कॉट एडवर्ड्स 12-6-78-30, बहुत अच्छा प्लेयर है, जरूर पिक करना है, कैप्टन है और अच्छे से खेलना जानता है। लोगन वैन वीक 4-0-3-1-2, लास्ट मैच में 4 विकेट निकाला है, बैटिंग भी कर लेते हैं तो इनको पिक करके जरूर चलना है, क्योंकि लास्ट मैच में एंजल ब्रेड के साथ इन्होंने 50 का कंट्रीब्यूशन भी दिया था। रेलो वैंडम हर में 2 मैच से विकेटलेस हैं, 2-2-0। ठीक है, बाकी पॉल वैन विक्रिन 0-1-2-2-2, हेड टू हेड भी नहीं खेला है, वेन्यू पे भी नहीं खेला है। आर्यन दत्त 1-3-0-2-1, ये स्पिन डिपार्टमेंट में मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, बेटर ऑप्शन देन रेलो वैंडम ऑफ। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, बांग्लादेशी प्लेयर का बात कर लेते हैं, कैसा परफॉर्मेंस है उसका। तो तंजीद हसन आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 12-51-16-1-5, एक हटा दीजिए उससे पहले, उसके बाद सारा परफॉर्मेंस खराब ही है, लेकिन पिक कर सकते हो, इस वेन्यू में परफॉर्म कर सकते हैं ये। बाकी नजबुल हुसैन सेंटो 0-7-8-0-59, ये लास्ट चार मैच से आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, इनको भी हटा के चल सकते हैं। लिटन दास 22-66-0-76-13, ये एक मैच चल रहा है, एक मैच नहीं चल रहा, हो सकता है इस मैच में खेल सकता है, कैप्टन बना लीजिए इनको, ग्रैंड लीग में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। साकिब अल हसन 1-40-1-14-80, बैट से कंट्रीब्यूट नहीं किया इन्होंने, बॉलिंग में 1-1-1-3-1, मस्ट पिक प्लेयर रहेगा कैप्टन के लिए, तो बॉलिंग से तो अच्छा कर ही रहे हैं हर मैच में, बैटिंग अच्छा निकाल देते तो बहुत पॉइंट हो जाएगा। 2 मैच में 16 रन है इनका, 2 का 2 मैच खेला इन्होंने, 15 8 का एवरेज, 3 विकेट है नीदरलैंड्स के खिलाफ। मेहदी हसन मिराज का बात कर लेते हैं, अच्छा प्लेयर है ये भी, 11-3-30-8-57, 4 मैच से इनका भी नहीं आया, 1-2-0-0-3, इनको भी आप वाइस कैप्टन बना लीजिए, 2-3 टीम बना रहे हो तो ग्रैंड लीग में अच्छे ऑप्शन है, या फिर कैप्टन के लिए। महमूदुल्ला 111-46-41 DNB 21, जो लाजवाब फॉर्म में प्लेयर है, नीचे आते हैं लेकिन देख सकते हैं कि हर मैच में फिनिश किया है, लास्ट तक टीम को लेके गए, बॉलिंग भी कर रहे हैं, 1-2 विकेट निकाल लेंगे, लेकिन विकेट अभी तक लास्ट 5 मैच में मिला नहीं है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये कैप्टन के लिए हेड टू हेड में। 2 मैच में इन्होंने भी खेला है, 28 रन है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, 8-32-66-51-52, 2 मैच इन्होंने भी खेला है, 11 का एवरेज है। ठीक है, इनको भी पिक कर लो, ये भी अच्छे ऑप्शन है। नसूम अहमद 0-0-1-1-2, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान उससे लग नहीं रहे जैसे बॉलर है ये, लास्ट 2 मैच से विकेटलेस 1-0-0, सोरीफुल इस्लाम 1-0-0-3-2, बाकी हसन महमूद 2-1-0-1-3, ये बॉलर को पिक कर लीजिए, मार खाता है लेकिन विकेट निकाल के दे रहा है, बाकी से तो ठीक ही बॉलिंग कर रहे हैं ये। चलिए जो ड्रीम इलेवन टीम मैंने बनाई आपको मैं दिखा देता हूँ, किस प्लेयर को पिक करना है हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को मैंने पिक किया, मुस्फिकुर रहीम और स्कॉट एडवर्ड, दोनों फॉर्म में है, एक्सपीरियंस भी इनके पास, महमूदुल्ला, संजीद हसन, साकिब अल हसन, एंजल ब्रेट, एकरमैन, बैस डेलीडे, मेहदी हसन मिराज, सोरीफुल इस्लाम और आर्यन दत्त। हेड टू हेड में कैप्टन यहाँ पे साकिब को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन एकरमैन को, दूसरी टीम से अगर बनाना है तो। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस के लिए वाइस कैप्टन यहाँ पे बैस डेलीडे एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अदर ऑप्शंस का बात कर लेते हैं, महमूदुल्ला या फिर मुस्फिकुर रहीम के साथ भी आप जा सकते हो कैप्टन के लिए हेड टू हेड में। वाइस कैप्टन आप यहाँ पे अगर ट्राई करना है तो इनको भी ट्राई कर लीजिए, अदर टीम से एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी ग्रैंड लीग के लिए मेहदी हसन मिराज एक अच्छे ऑप्शन है कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन वाइस डी लीडिया के साथ जा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी टीम जीतेगी हारेगी ए टू जेड बताया जाता है, सेशंस खेलना है, डेली सेशंस आते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए सेशंस और मैच का। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।